जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी, जो हमारे यहाँ जिस तरीके से बनता है उस तरीके से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गोल वाला जो कद्दू आता है हरा, उसको हमने काट लिया, इस तरीके से छील लेते हैं। पहले हम छील के लेने के बाद धो के और इस तरीके से गोल गोल काट लिया बड़े बड़े पीस में, और इसे हम कुकर में डाल के हल्का सा बॉयल कर लेते हैं। हल्का सा उबालते हैं, ज़्यादा नहीं, और पानी नहीं डालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक चम्मच या दो चम्मच पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे इस तरीके से हमने हल्की गैस करके इस कुकर को उस पर गैस पे रख देना है, और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हमारा कद्दू जो है उबल जाएगा। फिर हम बताते हैं अब इसमें क्या क्या डालते हैं। इधर कद्दू हमारा उबल गया है, अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं। बिल्कुल नए तरीके से हट के बनता है हमारे ये कद्दू। सबसे पहले मेथी दाना डालते हैं तेल में, फिर लहसुन, मिर्च और आम है, हींग है, नमक, इसमें सब मिक्स कर ले। इधर चीनी, आप इस तरीके से बना के खाइए, जो पूड़ी से नमक अजवाइन के पराठे से बहुत अच्छा लगता है। इधर इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया हमने, तो सबसे पहले हम मेथी दाना का इसमें तड़का डालते हैं। मेथी दाना क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत खाने में भी टेस्टी लगता है। उसके बाद हमने इसमें लहसुन डाल दिया, लहसुन हमारा हो जाएगा, और उसके बाद लहसुन हो गया, उसके बाद हमने लाल वाली मिर्च डाल दी, इसमें हींग डाल दी, और जब तक हींग और लाल मिर्च इसमें हो गई उसमें हमने आम डाल दिए। आम तो कच्चे बहुत जल्दी गल जाते हैं, थोड़े से तेल में डाले उसके बाद वो साथ में ही गल जाएंगे वो, और इसी में नमक डाल दिया। इसमें आम बहुत जल्दी गल जाते हैं, कच्चे आम इस समय चल रहे हैं तो बहुत अच्छा, और जब आम नहीं होते तो हम उसमें नींबू डाल लेते हैं उस टाइम। और ये जो कद्दू उबाल के रखा हमने, उसके बाद ये हमने इसमें डाल दिया। एक बार आप मेरे कहने से ये वाला कद्दू खा के देखिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और इस तरीके से हमने ये कद्दू छोंक दिया। हमारी तरफ तो ऐसे ही बनाया जाता है, बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही कद्दू बनाया गया। कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, जो कचौड़ी से, पूड़ी से, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इस तरीके से हमने इसे सब मिक्स कर लिया, और थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, और फटाफट बन भी बहुत जल्दी जाता है। इधर हम इसे ढक देते हैं, उसके बाद 3-4 मिनट के बाद जब ये बन जाएगा उसके बाद हम ये चीनी जो रखी है इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब ये कद्दू हमारा बनने को तैयार हो गया, अब इसमें हमने चीनी मिला दी, और उसके बाद 2-3 मिनट और हम इसको मिला के ढक के रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा भूंज लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट फिर भूंज लेंगे इसे इस तरीके से। 1-2 मिनट ढकने के बाद फिर हम इसे भूंज लेंगे। भूंजने के बाद तैयार हो गया हमारा कद्दू। बस ये थोड़ी देर के लिए और हम ढक के रखते हैं और भूंज देते हैं इसे। अब तैयार हो गया, हमने अपने डोंगे में निकाल लिया। राधे राधे बोलिए और खाइएगा।